नमस्कार दोस्तों, सो विवेक गुप्ता, और इस बार आप मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं अकेला हूँ लखनऊ के टूर पे छोटाई से, और कोशिश मेरी रहेगी सभी कॉलेज को देख के आपको एक फ़र्स्ट हैंड फीडबैक दूँ। और मैं अपनी तरफ से लखनऊ के बेस्ट कॉलेज में आया जिसका नाम है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे कि आप मेन बोर्ड देख सकते हो और आप देख रहे हो कि इसके अंदर सीधी सड़क जा रही है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं ये आपको भीड़ का आइडिया मिल जाएगा। और इस समय जो समय है वो 11:30 बज चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। मैं आ तो गया था 11 बजे, बैच के आधे घंटे से अंदर था। थोड़ा सा आपको पहले आइडिया दिखाता हूँ। एक तो ना ये हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को अपने आपको ये ना हमें लगता है बाराबंकी में है, तो बाराबंकी लखनऊ ऐसा ही है जैसे दिल्ली नोएडा है। जी हाँ, तो जहाँ लखनऊ का थोड़ा आउटस्कर्ट्स ख़त्म हुआ वहाँ बाराबंकी शहर शुरू हुआ। और ये जो आप रोड आप देख रहे हो, हाईवे देख रहे हो, राइट में देखिए, ये बेसिकली लखनऊ से सीधी सड़क आ रही है। थोड़ा आपको और जानकारी देता हूँ, लखनऊ शहर मोटा मोटी दो भागों में बटा हुआ है। गोमती रिवर लखनऊ से बिल्कुल बीचों बीच जाती है, और जनरली जब आप स्टेशन पर उतरते हो तो हमको ऐसा लगता है कि भाई लखनऊ मतलब चारबाग स्टेशन और हसरतगंज और जो फेमस सरकारी कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अब कस्तूरबा के नाम से भी जानी जाती है, वो सब जैसे उस तरफ पड़ते हैं गोमती रिवर के उस तरफ। लेकिन और वही हम ओल्ड लखनऊ कह सकते हैं कि वो ओल्ड लखनऊ हो गया। लेकिन थोड़ा सा अब इस तरफ अगर आ जाएं तो ये होता है जिसको मैं कहूँगा नया लखनऊ। पर नया लखनऊ भी बहुत बच्चों का, जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और जो दूसरा लखनऊ का फेमस सरकारी कॉलेज है विच इज़ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो इस तरफ था, मतलब गोमती के इस तरफ, और गोमती से बहुत आगे आके, और यही रोड जो मैंने वो सीधी दिखाई इसी रोड पर वो आया था। उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट आया जो कि यूपी का हाई कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट से ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर है इसी रोड पे। और हाई कोर्ट के बाद 5 से 6 किलोमीटर तक तो बहुत शानदार लखनऊ की मॉल्स और सब कुछ था। आई थिंक द बेस्ट ऑफ द लखनऊ पीपल लिव नाउ ऑन दिस साइड, विच मीन्स कि आखिरी के 2 किलोमीटर थे सिर्फ जब मुझे लगा कि लखनऊ शहर की हदें ख़त्म हो गई हैं। और फिर से मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि एक अस्पताल कितना अच्छा चल रहा है उससे यह पता चल जाता है कि देखिए अंदर तो फार्मेसी चल ही रही है, अंदर तो फार्मेसी चल ही रही है, लेकिन बाहर भी आप ये देखिए कितने मेडिकल स्टोर्स हैं। तो सामने मुझे दिख रहा है बालाजी मेडिकल, अभय मेडिकल, कृष्णा बिट्टू मेडिकल, उसके पीछे आपको दिख रहा होगा ओम मेडिकल स्टोर, और वो सामने देखिए अर्निश मेडिकल स्टोर। सो एक प्राइवेट कॉलेज और अस्पताल के बाहर, फिर वहाँ से कान्हा मेडिकल, तो टोटल मिला के 10 के करीब मेडिकल तो मुझे यहाँ खड़े खड़े दिख गए। सो 10 केमिस्ट अगर बाहर बैठे हैं आप समझ जाइए, तो इससे आपको पता चलता है कि क्या क्वालिटी है इस हॉस्पिटल की या क्या पॉपुलैरिटी है। तो डेफिनेटली हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जो कि हम सब उसे बाराबंकी के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको सच बोलूँ तो हमें उसको लखनऊ ही कहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लखनऊ शहर का, और एक्चुअली लखनऊ मुझे स्टूडेंट मिला अभी जो इंटर्नशिप में है, उसके अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, मतलब तो ख़त्म होने वाली होगी, और बहुत अच्छी उसने फीडबैक दी। कहता है सर सबसे पहली बात तो कि सबसे सस्ता कॉलेज है, जबकि हम जानते ही हैं फ़ी स्ट्रक्चर आता है तो हॉस्टल मिला के सबसे सस्ता हिंद पड़ता है। लेकिन इसके अलावा वो कहता है सर अगर मुझे, मैंने बोला कि अगर फ़ी स्ट्रक्चर ना हो प्योर क्वालिटी की बात करें, कहता है सर तो भी जो हिंद है, कहता है फिर हिंद और इंटीग्रल बराबर हो जाते हैं। तो लखनऊ वालों के लिए इंटीग्रल इज़ अ सेकेंड गुड ऑप्शन। अगर हम लखनऊ के आठों कॉलेज देखें जिसमें कि ईरा, इंटीग्रल, करियर, 3 जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, उसके बाद हिंद, बाराबंकी, मेयो बाराबंकी 5, हिंद सीतापुर 6, प्रसाद और मिश्रा, राइट। सो टोटल 8 कॉलेज हो गए। उन 8 कॉलेज में बाई चांस की बात है सबसे सस्ता भी ये है और सबसे अच्छा भी ये है, हाईएस्ट पेशेंट फ्लो। एक्चुअली पेशेंट फ्लो में उसने बोला कि सर इसका और इंटीग्रल का बराबर है, एरा का थोड़ा कम है, और फिर बाकी 5। और भाई उसने भी ये कहा कि सर करियर और मायो सिमिलरली प्रसाद और मिश्रा तो चारों ही आप समझ लीजिए कि क्या ही बोलें, बट करियर इंटीग्रल और ईरा अच्छे हैं, बट उनका बजट 1 CR तक जाता है। और जिस बच्चे से मैंने बात की वो खुद मुस्लिम स्टूडेंट है, कहता सर यहाँ मेरा काम 60 लाख में, और 60 भी नहीं, उसे एक और चीज़ बताई, कहते आउट ऑफ ऑल दी लखनऊ कॉलेजेस एक कॉलेज जो ऑप्शन देता है आपको हॉस्टल छोड़ने की, क्योंकि ही इज़ लखनऊ गए, तो कहता सर मैं हॉस्टल में नहीं रहता, मैंने पहले साल फीस दिया हॉस्टल का और फिर मैं अप डाउन करता हूँ सेकेंड ईयर से। विच मीन्स आपके, देखिए आप लखनऊ के रहने वाले, मैं उन्होंने लखनऊ शहर के अंदर है, आप स्कूटी से बाइक से 5 मिनट में पहुँच गए, तो आपको इतना महंगा हॉस्टल वगैरह लेने की क्या ज़रूरत है।
देखिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे पूरा शहर बसता है अंदर। मैं बैठा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी चलता है, पीजी पूरा है, क्लिनिकल पीजी है, कोई उसमें समस्या नहीं है। 2009 से एमबीबीएस चल रहा है, पीजी चल रहा है और पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, नर्सिंग चल रहा है। ये छोटी सी जो कैंटीन देख रहे हो, ऐसे ऐसे कम से कम 5 कैंटीन थी, बड़ा तगड़ा हॉस्पिटल है घुसते ही। और फिर एक और पहचान, आप घुसिए अंदर देखिए कोई गेट बंद नहीं है। मैंने कहा ना, कहीं जब मैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाता हूँ और मैं बंद गेट को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई तुमने गेट ही बंद कर रखा है, तो मतलब कि ये मैं हूँ आज, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई तुमने गेट ही बंद कर रखा है, मतलब कि कोई एम्बुलेंस आ रही है कुछ आ रहा तो गेट बंद है। इसके देखिए गेट पूरा सपाट खुला था, कोई मुझसे एंट्री नहीं ली गई, कोई मुझसे चेकिंग नहीं की गई। ये बाहर बाइकें खड़ी हैं, अंदर बहुत भयंकर पार्किंग थी। एक परफेक्ट मेडिकल कॉलेज। डेफिनेटली अगर मैं नेगेटिव बात पे आऊँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब पूरा पैकेज 60 लाख का है तो उतना ही वो बच्चों को दिया जाएगा। तो वहाँ इन्फ्रा में आप कह सकते हो कि दीवारों का रंग शायद पिछले 5 साल से नहीं हुआ, इससे में अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद नई नई ऑडिटोरियम बिल्डिंग बन रही होगी। बट हाँ, वो जो पेंट होता है ना, जो किसी को पसंद आता है, जो शेरा मूर्ति वाले हर साल कराते हैं, या कुछ कॉलेज होते हैं डीवाई पाटिल टाइप्स के जो हर साल कराते हैं, वहाँ पर ये लोग कंजूसी कर जाते हैं, तो उतना पेंट वेंट हर साल नहीं होता है। और इसके अलावा मतलब कि वो आप ना देखो एंगल्स, तो प्योर पढ़ाई के हिसाब से देखो, पेशेंट फ्लो अच्छा, टीचर सिंसेयर, क्लासेस लगती हैं, लोकेशन बहुत प्यारी है। मैंने बोला कि यहाँ जो मेन लखनऊ है 2-3 किलोमीटर है, तो बच्चा बोर नहीं होगा। हाँ, एयरपोर्ट मतलब स्टेशन यहाँ से 14 किलोमीटर दूर था, क्योंकि मैंने बोला ना कि स्टेशन से वो गोमती रिवर्स 6-7 किलोमीटर है और फिर आगे, तो 19, क्योंकि लखनऊ बहुत बड़ा है, स्टेशन बीचों बीच है। लखनऊ इज़ नॉट लाइक ए स्मॉल सिटी लाइक रोहतक और झज्जर, तो लखनऊ दिल्ली जितना बड़ा तो नहीं, पर दिल्ली से आधा तो है ना, तो स्टेशन से दूर पड़ता है। लेकिन जो मेन लखनऊ है, जैसे हम लखनऊ को साउथ दिल्ली कह सकते हैं, उससे सिर्फ 3 किलोमीटर था। और आप ये भीड़ देख रहे हैं, चहल पहल देख रहे हैं, ऑटो ई रिक्शा देख रहे हैं, ये सब के सब पेशेंट्स को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, दुकानें देखिए आप, तो बहुत एक चलता हुआ, फिर से अगर मैं हरियाणा से कंपेयर करूँ तो मौलाना जैसा समझ लो, उसका बिल्कुल मुझे फील आ रहा है, बिल्कुल मौलाना जैसा। तो समझ लीजिए कि मौलाना की टक्कर का हो गया, तो आदेश और एनसी झज्जर वगैरह सब छोड़ ही दीजिए, अल्फला से भी मैं इसको बेटर मानूंगा। और मैंने बोला फीस तो उसकी बहुत ही कम है, तो ये उस बच्चे ने एक और बात बताई, कहता सर ये तो लोग इतने ईमानदार हैं कि पहले साल हम 3 लाख का डिपॉजिट देते हैं, तो जब मेरी 4.5 साल की फ़ीस थी, मतलब 5वें साल की फ़ीस थी, जो मुझे 5.5 लाख रुपये देनी थी, तो इन्होंने मुझसे नहीं ली और सिर्फ मुझसे 2 लाख रुपये लिए, 3 लाख रुपये मतलब मुझसे क्या सबसे एडजस्ट कर लिए, तो इनकी नीयत नहीं है डिपॉजिट खाने की। कहता है अक्सर मोस्टली कॉलेज का ये रहता है कि वो आपका डिपॉजिट खा जाए, कोई बहाना मार के कि तुमने ये गड़बड़ की थी, तुमने वो गड़बड़ की थी, राइट। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, तो ईमानदार लोग हैं, बिल्कुल भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो जो हम यूपी में बदनाम है ना हिडन चार्जेस के लिए, तो एक्चुअली आपकी MBBS 60-62 लाख में हो जाती है हॉस्टल मिला के। अगर आपका हॉस्टल माफ़ हो जाए, जो लड़का बता रहा था, कह रहा सर मेरा तो एग्जैक्टली 52 लाख रुपीज़ लगा है सिर्फ, तो मेरा काम तो बहुत सस्ते में हो गया और शानदार पढ़ाई हुई है, पेशेंट फ्लो की कमी है ही नहीं, हॉस्टल में रहता ही नहीं हूँ, एसी अवेलेबल है जिसको एसी हॉस्टल चाहिए। मैंने बोला लोकेशन बहुत अच्छी है, और यही वजह है कि हिंद बाराबंकी कट ऑफ क्यों 450 के ऊपर जाती है, ये ट्रूली डिज़र्व करता है। यूपी एक ओपन स्टेट है, हम सभी जानते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो 470-480 नंबर वाले बच्चे हैं, 500 नंबर वाले, और अगर आपको बजट में अच्छा कॉलेज चाहिए, और अगर आप शेरा मूर्ति आपको नहीं मिल रहा, मैं तो उसको शारदा से भी अच्छा ही बोलूँगा। और मैंने बोला लोकेशन में दिक्कत नहीं है, मुजफ्फरनगर मेडिकल रोहिला खंड के मुकाबले का है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शानदार कॉलेज। और उसी बच्चे ने बताया मुझे, सर इससे सिर्फ 2 किलोमीटर आगे मेयो है जो कि बिल्कुल ही इसके अपोजिट है, वहाँ पेशेंट फ्लो 0 है और उसकी वजह से हर चीज़ बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर चार्जे वाला देखिए ना, बाहर कैमरे से बैठे हैं, तो इनको बसें भेज के पेशेंट नहीं बुलाने पड़ रहे हैं, इनको जो राजस्थान के हरियाणा के काफ़ी कॉलेजों को करना पड़ता है, और भी मोस्टली डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के टॉप 20 में ये कॉलेज आएगा। और ये वो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है जो सेल्फ सस्टेनिंग है, जो मैं हमेशा आप लोग एक लॉजिक देता हूँ, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन लगातार चहल पहल से आपको आइडिया लग जाता है कि चलता हुआ सेटअप है। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं आपको मयो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अंदर से मैंने तो पूरा देखा, पर जगह बाहर गेट के बाहर खड़ो के ना बनाना आसान रहता है, अंदर के गार्ड देख लेते हैं 3600 परमिशन है, उतना समय मेरे पास है नहीं। और जैसे कि आप जानते हो ऐसे अच्छे कॉलेज में बाबर कहते हो, हमें किसी भी कंसल्टेंट को एजेंट को कोई किकबैक नहीं देते, इनको ज़रूरत क्या है,
इनकी एक सीट के लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं भी 3-4, 5 घंटे, 10 घंटे, 4-4 दिन, कभी कभार लोग कहते हैं जी पहले मेल भेजो, परमिशन देंगे फिर आना, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। मैं तो लखनऊ फिर से घूमने आया हुआ हूँ, अच्छा वेदर है सर्दियों का, तो सोचा आपके लिए एक मोटा मोटी वीडियो बना के बिल्कुल पर्सनल फीडबैक दे दूँ। सो हिंद बाराबंकी रोड एक्चुअली लखनऊ कहना चाहिए, कैन श्योरली बी इन द टॉप ऑफ योर चॉइसेस। हैव ए नाइस डे। हमसे संपर्क करना चाहें आप जानते ही हैं, 9643362320 पे संपर्क कीजिए। और बस मैं कहना कि अब यहाँ आसान है, और देखिए अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरी ब्रांच चल रही है, और ऊपर जो पुल जा रहा है वो इसलिए ताकि जिन लोगों को सीधा यही रोड अयोध्या गोरखपुर भी जाती है, और बाराबंकी शहर तो आ ही गया है छोटा सा, जैसे मैंने कहा दिल्ली नोएडा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।